नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमलेश उपाध्याय हरिपुरी। आज की कहानी का शीर्षक है गृहस्थाश्रम और साधना। कहानीकार हैं डॉक्टर भोला दत्त जोशी जी। सुनते हैं आज की कहानी। साधना अपने आप में कठिन होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर गृहस्थाश्रम का सही से पालन और निर्वहन उससे भी कठिन है। गृहस्थाश्रम की सफलता तक पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। गृहस्थाश्रम भी एक प्रकार का बहुत बड़ा तप है। साधना में गृहस्थाश्रम बाधक है। यदि कोई ऐसा कहता है तो वह सरासर गलत है। एक बार की बात है कि महर्षि अत्रि अपने आश्रम में प्रातःकालीन संध्या वंदन के बाद चिंतन कर रहे थे। तभी उन्हें किसी गांव की ओर भ्रमण करने का ख्याल मन में आया। महर्षि अत्रि आश्रम छोड़कर गांव की ओर चल पड़े। वे चलकर दोपहर तक एक पास वाले गांव में पहुंच गए। अगला गांव उससे काफी दूरी पर था, इसलिए उन्होंने वहीं पर रुकना उचित समझा। महर्षि अत्रि एक गृहस्थ के घर रुक गए। गृहस्थ ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथि का स्वागत किया, उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन में यथासंभव अनेक व्यंजन बनाए गए। अत्रि ने देखा कि सभी लोग संध्या पूजन करते हैं, इसलिए वह मानने लगे कि यह सद गृहस्थ का घर है, इस घर में भोजन करने में कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया, सानंद भोजन कर निवृत्त हो गए। भोजन के पश्चात उन्होंने गृहस्थ से अपने मन की बात कहते हुए निवेदन किया, कृपया अपनी कन्या मुझे दे दीजिए जिससे मैं अपना घर बसा लूं। कहते हैं कि रिवाज के अनुसार उस जमाने में वर ही कन्या की खोज किया करता था। समाज में नारी की गरिमा नर से अधिक हुआ करती है। गृहस्थ ने महर्षि की बात को बहुत ध्यान से सुना। सुनने के बाद उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। परिजनों ने अत्रि के प्रमाण पत्र देखे और वंश का परिचय पूछा, तब वे संतुष्ट हो गए। सबकी संतुष्टि के बाद विवाह निश्चित कर दिया गया। शीघ्र ही पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर फेरों के साथ विवाह संपन्न हुआ। अत्रि के पास गृहस्थ चलाने के लिए उस समय कुछ नहीं था, अतः कन्या की मां ने आरंभिक सहयोग के रूप में भोजन के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़े, ओढ़ने बिछाने के लिए बिस्तर, दूध की व्यवस्था के लिए गाय और कुछ धन दान में दे दिया। सभी आवश्यक वस्तुओं को लेकर अत्रि अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ आश्रम की ओर चल पड़े। अत्रि ने अपने कुछ सहयोगियों को दान किए गए सामान को आश्रम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। वे खुशी खुशी सामान को अत्रि के आश्रम तक पहुंचा आए। दोनों ने सुखपूर्वक अपना जीवन प्रारंभ किया। इन्हीं अत्रि और अनसुईया से दत्तात्रेय जैसी संतान ने जन्म लिया। अत्रि की तपस्या का इतना प्रभाव पैदा हुआ कि भगवान को भी एक दिन इनके सामने झुकना पड़ा। कई ऋषि महर्षि सपत्नी रहकर आश्रमों में अध्यापन का काम किया करते थे और शोध कार्य भी करते थे। स्पष्ट है कि गृहस्थाश्रम साधना में कहीं बाधक नहीं है। महर्षि अत्रि की साधना निर्विघ्न चलती रही और गृहस्थ की सफलता में भी अपने चरम को छू लिया था। शिक्षा: गृहस्थ जीवन को यदि ठीक से निभा लिया जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ है। इसमें रहते हुए जप, तप, यज्ञ, दान, पुण्य, परोपकार और साधना सब संभव है। अतः गृहस्थ को अपने मर्म युक्त कर्म पर
ध्यान देते हुए जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष। भारतीय शास्त्रों, धर्म ग्रंथों, संस्कृति और परंपरा के अनुसार बताए गए मानव जीवन के लिए निर्धारित चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप जरूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।